जी मेरे हाथ में और पैर में बल आ गया था, जिस कारण मैं 4-5 मिनट बेहोश हो गया थोड़ा, और लड़की वालों को लगा कि मेरे को मिर्ची आ गई है, तो मिर्ची नहीं थी, जैसे मैंने दवाई खाई उसके बाद मैं ठीक हो गया था। अब लड़की वाले शादी करने को तैयार हैं? नहीं नहीं मना कर रहे। तो अब क्या सोचा है? राजीनामा करने के लिए। हमारे पोते नितिन की बारात जो है अनुपशल आई थी, और यहाँ किसी कारणवश जो है लड़के को परेशानी हुई और वो बैठा बैठा गिर गया, और जिसकी वजह से जो है ये रिश्ता नहीं हो पाया, और लड़की वालों की तरफ से ये रिश्ता जो है मंजूर नहीं था, तो हमने भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमने उसके साथ जो समझौता करके और रिश्ता वहीं ख़त्म कर दिया, जिसमें हमारा जो है इनके साथ जो कम्प्रोमाइज़ हुआ है वो 4 लाख रुपए नगद कैश देने हैं, और इनका जो फर्नीचर है वो इनको वापस करना है, प्लस हमने जो इनको सामान दिया है ये हमें वापस करेंगे, और इन्होंने हमें जो सामान दिया है कोई गोल्ड ज्वेलरी वो हम इनको वापस करेंगे। साहब उसमें एक चक्कर बना था, जैसे लड़की हमने फेरों के लिए इनवाइट करी, लड़का वहाँ पर फेरों पर बैठ गया, तो उसने जो पंडित थे उन्होंने कहा कि भाई आप जो लड़की को बुलवाओ और यहाँ पे अपना विवाह की प्रक्रिया पूरी कराते हैं। तो पंडित जी ने उनके लड़के के हाथ पर चावल रखे थे, हमारी लड़की अंदर से आ रही थी, उतने में ही उन्होंने अपना जो अग्नि वगैरह प्रज्वलित करके अपना जो मंत्र वगैरह बोले, तो लड़का जो है बेहोश हो के अपना गिर पड़ा, और उसकी दांती भिज गई, मुंह से झाग आने चालू हो गए, सारा शरीर ऐंठ गया, हम बड़े उसमें पड़ गए, आनंद फानंद जो है उसको उठा के भीतर डाला, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर से हमने फिर मशवरा किया, मतलब भाई बस क्या बात है उसके अंदर जो भर्ती के अंदर, इसकी थोड़ा जांच करो। डॉक्टर बोले तब तक वो लड़का जो होश में आ चुका था, करीब इस पीरियड में 20 मिनट का जो समय बीत गया था। हमने फिर जो है डॉक्टर साहब से कही, मतलब डॉक्टर साहब इससे जो अपना देखो क्या मतलब जो क्या है क्या नहीं है, उन्होंने चेक किया, मशीन से भी चेक किया। उसके बाद में फिर हमने डॉक्टर साहब ने लड़के से मालूम किया कि भाई आपको ऐसा क्या हुआ था जो आपको ये परेशानी घटी, आपकी परेशानी बनी, क्या हुआ था आपको? नितिन ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है मिर्गी का दौरा बना।